हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पंपकिन का रायता, कद्दू का रायता। ये मैंने 200 ग्राम कद्दू लिया था, छीलकर उसको अच्छे से उबाल लिया है। उबालते हुए मैंने आधा कप पानी डाला था और 10 मिनट उबाला है, और पानी मैंने उसका निकाला नहीं है, उसके अंदर ही है। उबालने के बाद उसको अच्छे से मैश कर लिया है। एक कप दही, दही को अच्छे से फेंट लिया है। 4-5 पुदीने की पत्ती, 1 चम्मच हरा धनिया, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 हरी मिर्च, 1/4 चम्मच भुना जीरा और काली मिर्च का पाउडर, काला नमक स्वाद अनुसार, सादा नमक स्वाद के अनुसार। सब इन चीजों को इसमें डाल देंगे दही में। ये कद्दू उबालने के बाद गरम हमें नहीं डालना है, कद्दू ठंडा करके डालना है। ऊपर से पुदीने की पत्तियां डाल देंगे तोड़कर। तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च ज्यादा ले सकते। कद्दू का रायता बनकर के तैयार है, इसे कटोरी में निकाल लेंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप इन्हें एक बार जरूर बना के देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।